पुत्र हटा से नहीं बिकजे, ए पुत्र हटा से नहीं बिकजे, की लपनी विच बाजार फुड़े, सर उठाकर जी। कौम के जीदार मुहाफिजों को जी वालों का सलाम। आजादी का हर सांस इन्हीं की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत। बहादुरी की लाजवाब दास्ताने रकम करने वाले कौम के सपूतों को जीएनएन का खिराज अकीदत। इस साल यौम दिफा पर वतन अजीज के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर बेटों को याद किया जा रहा है। सवात के बहादुर सपूत हकीम खान से मुलाकात करा रहे हैं शहजाद नवीद। ३० मार्च २००८ स्वात में दहशतगर्दों के ठिकानों की इत्तला मिलने पर पाक फौज और पुलिस के जवानों ने मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला किया। 56 साल हकीम खान इस मिशन की कमान संभालते हुए दहशतगर्दों के ठिकाने तक जा पहुंचे, डटकर मुकाबला किया। गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए अपने वतनी अजीज के तहफ्फुज़ के लिए हकीम खान ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करते हुए जाम शहादत नोश किया। जिस तरह सबको मालूम है कि 30 अक्टूबर 2008 को मेरे वालिद साहब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए जाम शहादत नोश की थी, आज भी उनकी शहादत पर हमें फ़ख्र है। हकीम खान के बच्चे कहते हैं कि उनका बाप तो शहीद हो गया, लेकिन दहशतगर्दी की एक बड़ी मंसूबी को नाकाम बनाकर कई माओं के गोदे बचा ली। हिफाजती इदारे हर जवान के शहादत के जज्बे से सरशार है। कशीद हालात में पाक फौज के साथ साथ पुलिस के 126 एहलकारों 4 सहाफ़ियों ने जाम शहादत नोश किया। कैमरामैन अमजद अली के साथ शहजाद नवीद, जीएनएन स्वात। पाक बहरिया यौम दिफा।